Good afternoon, children. Look at the chapter 2.4, The Lion and the Mouse. Tell a tale. Listen, repeat and enact. देखो बच्चों, आज हम शेर और चूहे की कहानी सुनने जा रहे हैं. एक बच्चों एक किस्सा है. Listen यानी सुनो, repeat दोहराओ, enact अभिनय करो. तो बच्चों मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगी और उसके बाद हम उसका एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे. वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. अ माउस सॉ हिम. ही रैन अप द लायंस टेल एंड क्लाइम्ड ऑन हिज बैक. ही जंप्ड ऑल ओवर हिज बॉडी. ही स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन द लायंस फेस अगेन एंड अगेन. एक समय की बात है, शेर पेड़ के नीचे सोया हुआ था. शेर पेड़ के नीचे सोया हुआ था. स्लीपिंग यानी सोना. अंडर अंडर यानी नीचे. अ माउस सॉ हिम. चूहे ने उसे शेर को देखा. ही रैन अप द लायंस टेल एंड क्लाइम्ब ऑन हिज बैक. चूहा शेर की तरफ दौड़ा. पूंछ से होते हुए वह शेर की पीठ के ऊपर चढ़ गया. बैक यानी पीठ. ही जंप्ड ऑल ओवर हिज बॉडी. वह उसके पूरे शरीर पर कूदने लगा. जंप यानी कूदना. ही स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन द लायंस फेस अगेन एंड अगेन. वह शेर के मुंह पर फिसलने लगा. शेर के सिर से पूरा मुंह पर फिसलने लगा और फिर पूंछ के सहारे से पीठ पर चढ़ता और शेर के सिर से पूरा उसके मुंह तक वो फिसलता. इस तरह उसे बड़ा मज़ा आ रहा था और वह बार बार ये क्रिया कर रहा था. द लायन गॉट अप. ही गॉट वेरी एंग्री. ही कॉट द लिटिल माउस इन हिज पॉ. ही सेड एंग्रीली, यू नॉटी माउस, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी. नाउ सी हाउ आई पनिश यू. आई विल ईट यू. लायन गॉट अप. लायन उठ खड़ा हुआ. ही गॉट वेरी एंग्री. उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. एंग्री यानी गुस्सा. ही कॉट द लिटिल माउस इन हिज पॉ. उसने कॉट यानी पकड़ा. उसने किसने, शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ा. ही सेड एंग्रीली, गुस्से से उसने कहा. एंग्रीली यानी गुस्से में. यू नॉटी माउस, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी. नटखट चूहे, तुमने कैसे मेरे ऊपर हिम्मत की मुझे परेशान करने की, कैसे हिम्मत की. डेयर यानी हिम्मत करना. डिस्टर्ब यानी परेशान. नाउ सी हाउ आई पनिश यू. आई विल ईट यू. देखो अब मैं तुम्हें कैसी सजा देता हूँ. पनिश यानी सजा देना. आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊँगा. द माउस वॉज अफ्रेड. ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग. चूहा भयभीत हो गया, डर गया. ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग यानी कांपने लगा. डर के मारे वो कांपने लगा. ट्रेम्बलिंग. ही प्लीडेड, ओ लायन द किंग ऑफ जंगल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज लेट मी गो, आई विल हेल्प यू समडे. वो विनती करने लगा. चूहा शेर से विनती करने लगा. हे जंगल के राजा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे जाने दो. प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो. आई विल हेल्प यू समडे, मैं किसी न किसी दिन तुम्हारी मदद करूँगा. द लायन लाफ्ड एंड सैड, ओ रियली. लायन हंसने लगा और कहा, सच में तुम मेरी मदद करोगे. यू लिटिल माउस, हाउ कैन यू हेल्प मी. छोटे चूहे, तुम मेरी कैसी मदद करोगे. दैट्स सो फनी, क्या मजाक है. एनीवे
go, get away from here. Then he set the mouse free. उसने कहा, शेर ने कहा, जा, मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ. और उसने चूहे को, शेर ने चूहे को आज़ाद कर दिया. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, सेड द माउस एंड रन अवे क्विकली. चूहा धन्यवाद देता हुआ जोर से दौड़ पड़ा. अ फ्यू डे लेटर द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट. ही वॉज रोरिंग लाउडली. द माउस हर्ड इट एंड रन टू द lion. He saw the lion caught in the net. He called his friends. All the mice came together and nibbled the big net and with their sharp teeth. They set the lion free. The lion said, "Thank you, dear little mouse. You saved my life." A few days later, कुछ दिनों के बाद, लेटर यानी बाद, द लाइन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट. लाइन यानी शेर शिकारी के जाल में फंस गया. ही वॉज रोरिंग लाउडली, जोर जोर से दहाड़ रहा था. दहाड़ना, लाउडली यानी जोर से. द माउस हर्ड इट. माउस ने सुना, हर्ड यानी सुना. एंड ट्रेन टू द लायन, और शेर की तरफ दौड़ा. ही सॉ द लायन कॉट इन द नेट. उसने, चूहे ने शेर को जाल में पाया. ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स. चूहे ने अपने साथियों को बुलाया. ऑल द माइस केम टुगेदर एंड निबल्ड द बिग नेट विद देयर शार्प टीथ. चूहे के साथियों ने अपने पैने दांतों से उस जाल को कुतरा, निबल यानी कुतरना. दे सेट द लायन फ्री. और उन्होंने शेर को आज़ाद कर दिया. द लायन सेट, थैंक यू डियर लिटिल माउस, यू सेव माय लाइफ. शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा और अपनी लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा. इस तरह बच्चों ने इस कहानी में देखा कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता. संकट आने पर कोई भी किसी की मदद कर सकता है. देखो चूहा कितना छोटा सा जानवर है और शेर कितना बड़ा है, जंगल का राजा कहलाता है. फिर भी संकट के समय चूहे ने शेर की मदद की. इस तरह हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. यही यह कहानी की सीख है. LION लायन, MOUSE माउस, LITTLE लिटिल, PLEASE प्लीज, SORRY सॉरी, THANK थैंक, YOU VERY वेरी, AWAY अवे. Thank you. Thank you, children.